ये टोली यहाँ कैसे आ गई? चाचा भतीजा बहुत परेशान किया तुमने, अब मेरी बारी है। मोलू दादा नीचे आते ही होंगे है ना? पर मोलू जरा ऊपर तो देखो। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर ये ऊपर पहुँच गए तो हमारे अड्डे के बारे में सब जान जाएंगे। ओ, हमें इन्हें रोकना होगा। रुको, मैं अभी इनकी रस्सी काट दूंगा। अरे वो लोग ऊपर ही हैं, नीचे रस्सी काटने से थोड़ी ना गिरेंगे। मैं मोलू दादा की तरह पोल का इस्तेमाल करके ऊपर जाऊंगा और इनकी रस्सी काट दूंगा। गोलू संभाल के, तुम अभी तक पोल का इस्तेमाल ठीक तरह से सीख नहीं पाए हो। पत्थरों से पकड़ा कर ये नीचे गिर जाएंगे। अब देखता हूँ चाचा भतीजा तुम में कितना दम है। ऊपर से पहाड़ टूट रहा है चाचू, भला अंकल संभाल के। बच गए? नहीं बचा। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चाचा भतीजा बहुत परेशान किया तुमने, अब मेरी बारी है। क्या बात है, यहाँ तो मछलियों की बारिश हो रही है। ये मेरी मछली है, मैं तुझे क्यों दूँ? नहीं दूंगा। बचाओ, तुम पल्लाजी को नहीं ले जा सकते, वापस आओ। बचाओ। दोस्तों आज दावत होगी। मैं तो एक छोटी मछली लेने गया था, पर मेरे हाथ ये दो मोटे वेल मछली आ गए। अब आएगा मजा। वाह जीजे, क्या आइडिया है, मैं एड्रेस की पर्ची अंदर फेंकता हूँ। ओए इस पर लिखा है मॉल रोड, हमें जल्दी वहाँ चलना चाहिए, चलो। रुकिए बंदूकनी जी, क्या किडनैपर ने आपसे पैसे या कोई और चीज मांगी है? नहीं तो? तो फिर ये कैसा किडनैप हुआ, जरूर कुछ गड़बड़ है। बंदूकनी जी वो नंबर बताइए जिससे सुबह आपको किडनैपर ने कॉल किया था। चाचू आप दूर दृष्टि गैजेट से तुरंत इस नंबर पर फोन लगाइए। ओ यो दूर दृष्टि गैजेट क्या है? बहादुर अंकल का सही एड्रेस पता लगाने का जरिया। ओए पतिजे, मैं बहादुर को देख सकता हूँ, वो बंधा हुआ है, उसके मुंह पर पट्टी भी है, एक छोटे से कमरे में बंद है। चाचू ध्यान से देखिए और क्या क्या दिखाई दे रहा है। ओए कमरे में एक छोटी सी खिड़की है, खिड़की के बाहर एक बोर्ड है जिस पर लिखा है पंतूश नगर 20 किलोमीटर, और पास में कुछ लिली के फूल है। लिली के फूल तो शहर के दाईं तरफ खिलते हैं, यानी हमें फंटूश नगर से दाईं ओर 20 किलोमीटर दूर जाकर देखना चाहिए। मैडम जी आप यहाँ क्यों आई? ले ओ भलाई का तो जमाना ही नहीं सा, एक तो मैं तन्ने छुड़ाने के लिए आई और तू मन्ने पूछ रहा सा कि मैं क्यों आई है? नहीं मैडम जी बात वो नहीं है, ये सब डंका ढोलकी की चाल है, वो चाहते थे कि आप मुझे ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर निकले और फिर वो पुलिस स्टेशन में घुसकर बड़े बॉस के लिए कोई पीली फाइल चुरा सके। ओ बावड़ी बूझ भैंस की पूछ बक्के होगा, हम फंटूश नगर से इतनी दूर हैं कि जब तक वापस पहुँचेंगे तब तक डंका ढोलकी ने फाइल चुरा भी ली होगी।
अपनी बंदूक नीची। हम भले ही डंका ढोलकी तक पहुंच नहीं सकते पर उन्हें कंट्रोल तो कर सकते हैं। वे पर कैसे? चाचू वो दूरदृष्टि गैजेट मुझे दीजिए और देखिए कमाल। ले लीजिए। कौन है जो घोड़े पर सवार है? इस फोन की आवाज से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हेलो, हमें डिस्टर्ब मत कर। है प्रायो भल्ला के चंगुल में पूरी जनता पागल हो रही है। पहली बात तो कल जिस वक्त ग्रहण दिखेगा उसी वक्त काला चश्मा पहनना चाहिए और दूसरी बात ग्रहण से सिर पर कोई असर नहीं होता। ओ जी, अगर इस ग्रहण के बारे में ये सारी बातें अफवाहें हैं तो फिर असल में ग्रहण होता क्या है? बस यही बात अब पूरे फंटूश नगर को प्रैक्टिकल करके बताएंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये है सूरज जिसकी रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है। लेकिन सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। चाचू सूरज और पृथ्वी के बीच कौन आता है? सूरज और पृथ्वी के बीच बलवंत आता है। बावड़ी बूझ, बलवंत नहीं चांद आता है। ओए बंदूकनी जी, बलवंत तो खुद ही आधा चांद है, है? अब तो पूरा चांद बन गया। भतीजे एक और मेरी नाक बलवंत तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी नाक काट दी। ओ, 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 भल्ला अंकल हट जाइए रास्ते से। बंदूकनी जी, ये हेलमेट सिर्फ लोगों का वहम दूर करने के लिए बनाए हैं। अरे वो कैसे होगा? ओए जी, लोग तो सोचते हैं कि ग्रहण में उनके सिर के हूँ। वाह, लगता है महीने भर का नहीं साल भर का स्टॉक भर लिया। हो गया क्या? अरे अरे ये क्या धोखा, मुझे जलेबी लेने वापस जाना होगा। नहीं, एक ही जलेबी नहीं बची। चाचू को जलेबी बहुत पसंद है, उनके लिए थोड़ी जलेबी ले लेता हूँ। अंकल थोड़ी जलेबी देना। बेटा एक भी जलेबी नहीं बची, मैंने महीने भर की जलेबी आज ही एक दिन में ही बेच दी। एक दिन में? ऐसा कैसे? एक भले आदमी ने सारे शहर में मुफ्त में जलेबी बंटवा दी, 2 लाख की जलेबी। 2 लाख की जलेबी? लगता है चाचू जैसा ही जलेबी का कोई बड़ा शौकीन होगा। अरे चाचा, सिर्फ जलेबी से क्या होगा? हाँ, लोगों की और भलाई करो, क्योंकि जितनी भलाई उतनी मलाई। एक काम क्यों नहीं करते, ये डिक्लेयर कर दो कि इस मॉल में अगले आधे घंटे के लिए शॉपिंग बिल्कुल फ्री, शॉपिंग का सारा पैसा आप भरोगे। वाह, ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है।
कम समय में बहुत सारी भलाई। सुनो सुनो सुनो, अगले आधे घंटे के लिए आप सब इस मॉल से जो खरीदना चाहे खरीदो, पैसे मैं भरूंगा। अरे वाह, अगले आधे घंटे के लिए मनचाही शॉपिंग, वो भी फ्री। अरे चलो 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 चलो, ये आधा घंटा मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे भैया भैया, ये टीवी दे दो। अरे भल्ला जी, कहाँ ये छोटी टीवी ले रहे हो? वहाँ महंगी वाली टीवी रखी है, वो लो, फायदे में रहोगे। अभी जाता हूँ। ओहो भल्ला जी, हटो ना रास्ते से। पप्पी, तुम्हारी वजह से मैं महंगी वाली टीवी से दूर हो गया। चाचू, ये मॉल में ऐसी अफरा तफरी क्यों मची हुई है? अभी बताता हूँ। ये लीजिए सर, आपका बिल। हाँ। ओ जी, थैंक यू थैंक यू। 4 बजे लॉटरी ऑफिस पर।